नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो नासिक में मेरे होटल से मैंने शुरू किया है। ये मेरा कमरा जिसमें मैंने एक रात निकाली। यहाँ पर 3 बेड यहाँ लगे हुए हैं और हर वो सुविधा है जो हमें चाहिए होती है। अच्छा खासा बड़ा रूम और 700 प्लस GST में ये मेरे को मिला। अटैच बाथरूम, साफ सुथरा, बिल्कुल क्लीन, और बालकनी के साथ में ये आप देखेंगे पीछे बालकनी, काफ़ी बड़ा बालकनी पीछे की साइड में। तो ये वीडियो शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो में हम यहाँ से नासिक से धूले तक जाने वाले हैं। बने रहें पूरे वीडियो में और मेरे साथ में इस पूरे ट्रिप को एंजॉय करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारा रूम और ये रूम के बाहर का पूरा हिसाब किताब। ये बस स्टैंड के ऊपर ही बना हुआ है। 2-3 यहाँ पर ये गेस्ट हाउस बने हुए हैं, इसमें से एक ये भी है। और ये यहाँ रिसेप्शन है, यदि आप आना चाहो तो 2nd फ्लोर पे। और ये सामने ही बस स्टैंड है, ये इधर सामने ही ये बस स्टैंड है। और इनके पास AC कॉमन हॉल भी है। यदि आप कॉमन हॉल में रुकने के इच्छुक हैं तो आपको हॉल भी मिल जाता है। ये इधर इसका हॉल है। 250 रुपये में आपको एक बेड देते हैं और सामान रखने के लिए लॉकर भी देते हैं। आइए ये नीचे जो बसें खड़े हैं इन्हीं में से हमारी दूल्हे की बस होगी, देखते हैं और सफ़र शुरू करते हैं। और यहाँ भाई ने बताया टिकट खिड़की है, टिकट ले लीजिए, पहले टिकट लेते हैं। और ये हमारे ड्राइवर कंडक्टर और ये आज की बस दूल्हे की, नासिक से दूल्हे बाईपास निकलने वाली है। आइए बैठते हैं। और आज की हमारी यह गाड़ी नासिक से चल पड़ी है। तीन घंटे दूल्हे के लेने वाली है, ऐसा ड्राइवर ने हमें बताया है। और ये नासिक का बस स्टैंड,
और अभी चाय का ब्रेक, ये हमारी गाड़ी सामने और ये रेस्टोरेंट यहाँ पर, 10-15 मिनट का चाय ब्रेक, उसके बाद आगे चलेंगे दूल्हे के लिए। और इस तरह से ये हमने आज का सफ़र नासिक से धुले तक का पूरा किया। इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।